अरे छोड़ो मुझे। क्यों छोड़ू, बाकी बच्चे भी तो किडनैप ना, तू भी उधर रहा, अच्छे खासे पैसों में बिचेगा। गाइस, इस बुरे से रेडल ने मेरी फैमिली को मेरे सामने मार दिया और अभी ये मुझे जाल में बंद कर रहा है। अली, मैं यहाँ से भाग कर रहूंगा। अबा कीड़ा, ड्रिल मशीन तो ऐसा चल भी रही है। तुम नहीं भागोगे, तुम्हें कोई खरीदेगा तो मस्त तरीके का पैसे बनाऊंगा। मैं अपना साइज बढ़ा के तुझे पीटूंगा। अरे भाई तू क्या कर रहा है? भाई मैं यहाँ से भागना चाह रहा हूँ, मैं एक अनाथ गोल्डन आयरन मैन बेबी हूँ। अरे भाई मुझे भी भाग रहा है, जल्दी जल्दी। ओ नो गाइस, उसको क्या हो गया? लगता है वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था, उसको कुछ खाने को भी मिला इसलिए बेचारा बेहोश हो गया। गाइस हमें इसकी मदद करनी पड़ेगी। आप लोग एक काम करो, जल्दी वीडियो लाइक करो, बेचारा बच्चा मर जाएगा नहीं तो। कम ऑन भाई, उठ जा प्लीज, जल्दी उठ जा। गाइस प्लीज लाइक बटन दबाओ और चैनल सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से। वाह हमने उसको बचा लिया। अले चुकलिया भाई, तू मुझे नहीं बचाता तो मैं तो यहीं मर जाता उम्मीद में। मुझे किसी भी हालत में यहाँ से भागना है। तू चिंता मत कर, हमें कोई बचाने जरूर आएगा। गाइस हमें आएगा ना बचाने? आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। अब चलो जल्दी जल्दी चलो, आज मैं बहुत सारा पैसा लेकर आया हूँ। आइए आइए गोल्डन दद्दू, कैसे हो? अरे बहुत बढ़िया बच्चा है, मेरे को यहाँ पर एक बच्चा खरीदनी है आयरन मैन का। मैं उसकी साइज बढ़ाऊंगा और साथ साथ में इवोल्यूशन भी। ये कौन सा बच्चा लूँ? अरे मेरे को ले लीजिए अंकल, मेरे को, मैं गोल्डन आयरन मैन बेबी हूँ। और मैं ग्रीन आयरन मैन बेबी हूँ। बिल्कुल, हम दोनों को ले जाइए, हम दोनों का साइज बढ़ा लीजिए प्लीज। बिल्कुल बच्चा, लेकिन मेरे को यहाँ पे ग्रीन कलर पसंद नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ गोल्डन कलर पसंद है। मुझे यहाँ पर महंगी चीजें पसंद होती हैं, सस्ती नहीं। ए मुच्छाड़, बाकी का बच्चों को जान से मार दे, मेरे को और कोई जरूरत नहीं है। नहीं दद्दू जी, मुझे यहाँ पर ना अपनी फैमिली में उस छोटे से ग्रीन आयमन को भी, बेबी को भी ज्वाइन करना है। आजा भाई आजा, मैं तेरे को अपने साथ लेके जाऊंगा वरना तेरे बिना नहीं जाऊंगा। बिल्कुल भाई मैं आ रहा हूँ, जल्दी आजा जल्दी। अरे दद्दू जी प्लीज, उस ग्रीन आयमन बेबी को भी ले लो, उसने मेरी जान बचाई है। अरे बाप रे, अंदर जा, जाल के अंदर जा, वरना मैं तेरे को नहीं उठा उठा के मार दूंगा। नहीं प्लीज दद्दू, मुझे इसके साथ रहने दीजिए वरना मैं मर जाऊंगा अकेला, मेरी फैमिली नहीं है। प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं आपके घर का काम करूंगा, पैसे भी नहीं मांगूंगा। और निकल यहाँ से, मुझे तुम जैसा फर्जी आयरन मैन से नफरत है। चल रहा बच्चा। अरे नहीं मैं उसके बिना नहीं जाऊंगा। अब ज्यादा मत बोल, समझा तू? तुम्हारा तेरा साइज बढ़ाऊंगा, तू चिंता मत कर बच्चा। अरे गाइस ये क्या, एक दोस्त बना था वो भी छीन लिया गया, कितने बुरे, काश मुझे भी कोई अडॉप्ट कर ले। अरे बाप रे, उधर तो कोई बच्चा रो रहा है। रेडल क्या कर रहा? अरे पैसा ही कम गई, क्या बात है ग्रीन हल्कबस्टर, फैमिली को लेकर पिकनिक जा रहे हो? नहीं मुझे यहाँ पर ही बच्चों को बचाना है, चुपचाप इनको छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा, क्या कर लोगे? मैं तुझे पीटूंगा पूरी तरह से। बिल्कुल सही कहा, इन प्यारे बच्चे को छोड़ दो। बिल्कुल प्लीज मुझे बचा लो और इन बाकी के आयरन मैन बेबी को भी बचा लो, ये बहुत बुरा है। मुझे शर्म नहीं आती, इतने मासूम बच्चों को तू किडनैप करता है। और तो धंधा कैसा चला गा रहा है? बाप रे मार दिया, मैं सारे बच्चों को जला दूंगा, मार दूंगा, समझा तू? मैं वापस आऊंगा ग्रीन हल्कबस्टर। निकल यहाँ से, चलो सारे के सारे बच्चे भाग जाओ। अरे वाह गाइस, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन हल्कबस्टर और आयरन मैन की फैमिली कितनी प्यारी है, इन्होंने सारे बच्चों को बचा लिया। चलो बच्चों चलिए निकलो। अरे शुक्रिया अंकल, हम भागते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं यहाँ से। वाह गाइस यहाँ पे गोल्डन एंड ग्रीन आयरन मैन बेबी, साथ साथ में ब्लैक आयरन मैन बेबी, रेड आयरन मैन बेबी, सबके सब भाग चुके हैं। लेकिन अंकल क्या आप मुझे अपनी फैमिली में ज्वाइन करेंगे? मैं बिल्कुल अनाथ हूँ। बिल्कुल बच्चे तो हमारे साथ चल, आजा, ये तेरी मम्मी है और वो तेरा छोटा भाई। बच्ची तू कैसा है? मम्मी जी मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी चलते हैं। आजा मैं तेरा साइज बढ़ाऊंगा। लेकिन अंकल जी मुझे ना अपने दोस्त को भी बचाना है जो कि गोल्डन हल्क उसको ले गया जबरदस्ती। ठीक है बच्चे, लेकिन अगर तेरे को अपना साइज बढ़ाना है तो उसके लिए तुझे ट्रेन में बचानी होगी, जिससे कि तू ताकतवर होके अपने दोस्त को बचा ले। लेकिन इससे होगा क्या? तू जैसे इस पर भागेगा तेरा साइज करोड़ों में बढ़ जाएगा। दुनिया लेकर जा रहा हूँ इस ट्रेडमिल को। नहीं नहीं अरे ये तो सन गॉड है। ओह नो गाइस, सन गॉड हमारा ट्रेडमिल खा गया। लेकिन पापा जी वो ट्रेडमिल खाकर करेगा क्या? अरे बच्चे वो जरूर किसी को और को बेच देगा उस ट्रेडमिल को, और किसी गलत हाथों में वो ट्रेडमिल पड़ गई तो लोग तबाही कर देंगे। तो फिर तो हमें जल्दी उसके पीछे जाना पड़ेगा। गाइस हमें सन गॉड से अपना ट्रेडमिल छीनना पड़ेगा, मुझे अपने दोस्त को बचाना है। कम ऑन, एक मिनट पापा जी ये कहां गए? बताता हूं असल में ये बहुत ही खतरनाक दुनिया है मेरे बच्चे, यहां पर सन गॉड रहता है, यहां पर तुझे आगे जाना होगा। लेकिन यहां पर कुछ खतरनाक सन गॉड के बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स तेरा इंतजार कर रहे हैं, अगर तू गलती से भी इनकी नजरों में आ गया तो ये तुझे मार देंगे। अरे नहीं, इसका क्या मतलब, मुझे आगे जाना पड़ेगा? बिल्कुल, लेकिन चिंता मत कर, यहाँ पर तुझे एक चेक पॉइंट मिलेगा, कहने का मतलब पोर्टल, पोर्टल में जाती तेरी ताकत और साइज दोनों बढ़ जाएगा, जिससे कि तू सन गॉड के इन खतरनाक ओशियनस या फिर खतरनाक ब्लैक गॉड बच्चों से बच सके। ये बच्चे क्या करेंगे? ये नहीं चाहते किसी का भी साइज बढ़े, क्योंकि ये खुद छोटा है इसलिए दूसरों को भी छोटा रखना चाहता है। लेकिन इन दी एंड
जब तू सन गॉड के पास पहुंच जाएगा तो तुझे बहुत ही चालाकी से इसके मॉन्स्टर्स को हराते हुए इसके मुंह के अंदर छुपे हुए ट्रेडमिल का इस्तेमाल करके अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा बच्चे, जिससे कि तू अपने दोस्त गोल्डन डायमंड बेबी को उस गोल्डन फैमिली से बचा ले। ठीक है पापा जी, मैं समझ गया। गाइस मुझे किसी भी हालत में अपनी फैमिली का नाम ऊंचा रखने के लिए सन गॉड से अपना ट्रेडमिल चुराना होगा, मेरा मतलब वापस लेना होगा। यार ये कितने खतरनाक जायंट्स हैं, प्लीज मुझे मारना मत। ओह माय गॉड, अरे मार दिया रे, निकल जा यहां से, मेरे मॉन्स्टर्स तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे गाइस सन गॉड को पता चल गया कि मेरी फैमिली और मैं यहां पर ट्रेडमिल वापस लेना है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं जंप्स लगानी हो या उड़ना हो, वैसे मुझे उड़ना नहीं आता, मैं छोटा सा बेबी जो ठहरा। कोई बात नहीं गाइस, फिलहाल मेरा साइज 0 है, लेकिन बहुत जल्दी हजारों करोड़ साइज में बदल जाएगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। कोई नहीं गाइस, मैं जितनी मेहनत करूंगा मेरे में इतनी हिम्मत आने वाली है, तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। लजीज बच्चा आ रहा है सामने। गाइस वागी वागी जिला की नजर मुझ पे, उससे पहले कि वो मुझे खाए मैं इस पोर्टल में जाता हूँ। पापा ने बोला था ये चेक पॉइंट है साथ। अरे गाइस देखिए मेरा साइज मीटर अप हो रहा है। गाइस मैं 2000 साइज का हो चुका हूँ। ऑल राइट अभी जल्दी आगे जाता हूँ, उम्मीद करता हूँ इस सूट में पावर्स भी होंगी। एक मिनट, ये बच्चा गला है। अंकल जी मुझे भी अपने साथ ले चलो। सॉरी भाई मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके चल सकता, पापा ने बताया था मुझे इनसे दूर रहना है। अरे बापरे ये ले, तू कितना बुरा आदमी है, ये ले हम तेरे को मार देंगे। अरे करंट लगा रहा है ये तो, ये बच्चा बहुत बुरा है गाइस, मैंने तुम्हारा क्या क्या बिगाड़ा है। हम तेरे को बड़ा नहीं देंगे, ये ले तुझे जला देंगे। अरे बाप रे, मेरे बच्चे यार मत मान बिल्कुल भी, तेरी मम्मी पापा और तेरा भाई तेरे साथ है। अरे बिल्कुल मेरी बच्ची जल्दी आ गई। अरे फ्री कर यार, अरे बाप रे और कितना मारेगा ये, चल निकल यहां से ग्रीन डायमंड, यहां पर वो ट्रेडमिल मेरा सन गॉड का खुश करके मैं ले लूंगा। बिल्कुल बच्चे, मार दे इस ग्रीन डायमंड की फैमिली को और ट्रेडमिल ले जा। अरे वाह वाह वाह, मैंने तो इसको मार दिया। अरे ले तेरी तो बहुत हो गया गाइस, मैं बच्चा समझकर उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था, अभी इन सबको पीटूंगा। हटो यहां से, तुम सबको पीटूंगा वरना उसने मेरा सूट खराब कर दिया। पता नहीं मेरी पावर्स भी यूज हो पाएंगी यहां पे। नहीं हटो सबके सब, मैं यहां पे रुकने नहीं वाला। वाह गाइस हम सन गॉड के बहुत करीब हैं। गलती कर रहा है मेरा करीब आकर, मारो इसको। बिल्कुल बहुत, सभी मारते हैं। अरे यार अब ये ग्रीन रेवेंजर मारने लग गया रे। अरे बाप रे, शुक्र है मैं बाल-बाल बच गया गिरने से। लजीज बच्चा, अरे यार तुम पीछे हटो यहां से। वाह वाह गाइस, यहां पे बस कुछ और मॉन्स्टर्स रह गए, मुझे इनको नीचे गिराऊंगा। हटो यहां से। वाह गाइस एक मिनट, यार हम तेरे को आगे नहीं जाने देंगे। बहुत हो गया, ये लो। अरे वाह, मेरे अंदर सुपर पावर्स भी थी, मुझे पता ही नहीं था। मेरा ये रेज मोड जैसे ही बढ़ा गाइस, मैंने यहां पर सुपर पावर्स इस्तेमाल कर ली। ये क्या कर रहा तू? नहीं अब बहुत हो गया, ये लो। नहीं अरे बाप रे, ये कैसी पावर है? मेरी गर्मी से तू जल जाएगा कीड़ा। बहुत हो गया दोस्तों, शायद उसको लग रहा है कि मैं मर चुका हूं, नीचे गिर गया हूं, लेकिन यही मेरे पास सही रास्ता है। मैं एकदम चुपके से जाऊंगा और इसके मुंह के अंदर जाके अपने ट्रेडमिल से। वाह गाइस, वो रहा मेरी फैमिली का ट्रेडमिल। वाह मेरे बच्चे, वाह तूने कर दिखाया। वाह मेरी बच्ची, भाग भाग भाग, मैं तुझे जलेबियां खिलाऊंगी। वाह हमें जलेबियां मिलेंगी, क्या बात है, अब तो मजा आएगा। चलो 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 और स्पीड में भागो भागो भागो। गाइस मेरा साइज बहुत जल्दी 10,000 होने वाला है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऑलराइट गाइस, मैं यहां पर सीधा 10,000 साइज का हो चुका हूं, क्या बात है। पापा जी देखिए मैं यहां पर कितना चैट हो गया। नहीं अरे ले गया ट्रेडमिल की सारी शक्तियां। वाह गाइस मजा आ गया। अरे वाह भैया आपने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया। अरे हां मेरी बच्ची तूने कमाल कर दिया। बिल्कुल मेरे बच्चे, हमारी फैमिली को तेरे पे पूरा का पूरा विश्वास है कि तू अपने दोस्त गोल्डन आयमन को भी बचाएगा उस बुरे से दद्दू से। बिल्कुल पापा जी आपने सही कहा। अरे बाप रे, मेरे को कहां पर लेके आए हो आप? अब अच्छा तेरे को काम करनी होगी, इस वाली बोट में बैठकर तेरे को हमारी फैमिली का साइज बढ़ाने के लिए इस खतरनाक गॉडफादर टाइटन के ऊपर चढ़नी होगी। अरे बाप रे, ये क्या, ये तो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है। बिल्कुल सही कहा, तू हमारी फैमिली का हिस्सा है, अगर तू इनसे हारा तो हम तुझे हरा देंगे, खत्म कर देंगे, मार देंगे। इसलिए तेरे को हारना नहीं है, सिर्फ जीतना है। ये देख ये पोर्टल है, ये तेरी एज को और साइज को ज्यादा बढ़ा देगा। उसके बाद तुझे ताकत का इस्तेमाल करके इन सभी गॉडफादर टाइटन्स को पीटना होगा। उसके बाद ट्रेडमिल से तू अपना साइज 1,000 करोड़ करना। उसके बाद दुनिया में जितनी भी फैमिलीज है, रेड डायमंड की फैमिली, ग्रीन डायमंड की फैमिली, उन सभी को तबाह कर देंगे। अरे यार ये कितने बुरे, एक तो इन्होंने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। हे बच्चा चुपचाप चल वरना मारूंगी। अरे ये कैसी ईविल सी मम्मी है मेरी। बच्चा तू चिंता मत कर, एक बार तू हमको साबित करके दिखा दे कि तू यहां ताकतवर है, उसके बाद हम तुझे इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। अरे अरे तू मारते है। अरे बच्चा तू कमजोर नहीं हो सकता, तू यहां जीतना होगा। अरे प्लीज मैं चलो, मेरी फैमिली है मुझे ऐसे मारने दोगे क्या? काश काश ये मुझे अडॉप्ट ही नहीं किए होते, इससे बढ़िया तो मैं उस पिंजरे में ही बनता। कोई नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। अरे बाप रे, ए बच्चे चल जल्दी चल यहां से। अरे भैया प्लीज मुझे बाहर निकालो। अबे तेरे को बाहर नहीं निकाल रहा हूं मैं, समझा? जा गॉडफादर डायन के पास, हमारी फैमिली का साइज बड़ा बेवकूफ कहीं के रुक गया था। वाह मेरा बच्चा डांटी, जल्दी जा और उसको फेंक दे। नहीं प्लीज, अरे बाप रे कहां फेंक दिया,
हर्ष ने, ये तो पूरी फैमिली इविल है, कोई बात नहीं है, जहर को जहर काटता है, मगर ये इविल है तो मैं भी इविल ही बन जाऊंगा और यहाँ पे खुद का साइज बढ़ा के इन पे राज करूंगा। ये चलो हटो चपके चल, वैसे मुझे ध्यान से आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बार पोर्टल में चला गया। इतना आसान है क्या पोर्टल में जाना, मर कहीं का। अब अच्छा तू बस पहुंच गया था, कम ऑन कर दिया, हमारी फैमिली का नाम ऊंचा कर दिया, उठा दिया उसको आसमान में। ठीक है दद्दू, ठीक है। वैसे दद्दू सही कह रहे, मैं अगर ताकतवर हो गया तो कोई भी मुझे इस तरह से गुलामी नहीं करवा पाएगा। जब इसके अंदर जाता हूँ, अरे वाह मेरा तो साइज यहाँ पे बढ़ने लग गया, क्या बात है, तो बड़े बढ़िया बढ़िया। वाह बच्चा कमाल कर दिया, वाह बच्चे वाह कमाल कर दिया तूने, ठीक है वाह 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 वाह, मेरा साइज यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। एक मिनट, अरे वाह मैं तो पहले से बड़ा हो चुका हूँ गाइस, देखिए मैं 2000 साइज का हो गया। बिल्कुल बच्चा, अभी हमें ग्रीन आयमंड की फैमिली को भी तबाह करना है। बिल्कुल ए हटो सबके सब, मैं यहाँ पे सारे आयमंड की फैमिली से सबसे ज्यादा साइज करूंगा और अपनी फैमिली को ताकतवर कर दूंगा। वाह मेरे भाई वाह, वह तू तो कमाल कर रहा है यार। वाह बिल्कुल मेरा बच्चा, जा इस ट्रेडमिल का साइज बढ़ा ले, मेरा मतलब खुद का साइज बढ़ा ले। बिल्कुल भागो। अरे वाह मेरा मीटर देखिए कितनी तेजी से भाग रहा है, क्या ही खतरनाक मौसम हो रहा है गाइस, देखिए क्या ही तेजी से भाग रहा हूँ मैं तो। वाह 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 वाह, ओ माय गॉड मैं तो 10,000 मीटर का हो गया, मैं तो एकदम गोल्डन वाला खतरनाक जायंट डायमंड हो गया। ये ओ मेरा बच्चा वाह, ओ तूने तो मजा दिला दिया, ओ मेरी बात सुन, अब जल्दी से जा और जाकर बैंड बजा। किसकी बैंड बजानी है? ओ वो तेरा दोस्त था ना, मैंने सुना उसको किसी ने ड्रॉप कर लिया, ग्रीन हल्कबस्टर ने उसकी फैमिली को हरा दे, उनका ट्रेडमिल चुरा ले और उसके पापा को मार दे। ठीक है पापा जी मैं इसको लेके चलता हूँ। अरे वाह पहले ये काम कहाँ पर ला चुके हैं? एक मिनट मेरे भाई, ये क्या ये तू वही है? अरे हाँ भाई मैं ही हूँ, और अब मैंने गोल्डन फैमिली को ज्वाइन कर लिया है, इसी को मारना है ना? बिल्कुल इसी को मारना है, पहले इसके भाई को मारता हूँ। मेरे भाई को छोड़ दे गाइस, वो कौन है, मेरे भाई को क्यों मार रहा है? अरे गोल्डन आई मीन, अरे तू मुझे क्यों मार रहा है? सॉरी मुझे माफ कर दे, मुझे अब अपनी फैमिली के साथ रहना होगा, अगर मुझे ताकतवर बनना है तो तुम जैसे कमजोर लोगों को हराना होगा। नो गाइस, इन्होंने मेरी फैमिली को मार दिया, मैंने तो तेरी जान बचाई थी। मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ये सब करना पड़ेगा, वरना ये नहीं करूंगा तो ये लोग मुझे मार देंगे। ओ नो गाइस, ये क्या, ये जिसने मेरे भाई को मारा था वो अपना साइज बढ़ाए? अरे वाह, मैं तो बहुत तेजी से बढ़ रहा हूँ रे, अब मैं तो एकदम गोल्डन हल्कबस्टर बन गया और मैं यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा साइज का गोल्डन आयमंड बनूंगा। नहीं गाइस ये कितने बुरे हैं, इसको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, इसने खुद की जान बचाने के लिए मेरी फैमिली को मार दिया, ये हमेशा से मतलब ही था, काश मैं इसको बचाया नहीं होता। खैर कोई नहीं गाइस, अफसोस करने से फायदा क्या, एक मिनट मैं तो इससे छोटा हो गया लेकिन बहुत हो गया, मेरे पापा ने मेरे लिए ट्रेडमिल बनाया था और मेरे भाई के लिए, और तुमने उससे मुझसे सब कुछ छीन लिया, इसलिए यहाँ पर गाइस देखिए मैंने ना इस गोल्डन हल्कबस्टर को पूरी तरह से किडनैप कर लिया है और गाइस मैंने उस गोल्डन आयमंड को मार दिया है, मैंने उसको बचाया था और मैंने इसको मार दिया अपनी फैमिली के लिए। गाइस फैमिली के लिए कुछ भी, चलो जल्दी जल्दी जाता हूँ और यहाँ पर अपना साइज 1000 करोड़ प्लस का कर देता हूँ। कम ऑन। अरे वाह मैं तो बहुत बड़ा जायंट बन गया, क्या बात है गाइस, अब मेरी फैमिली को जरूर खुशी होगी क्योंकि मैंने उनका आखिरी सपना पूरा कर दिया, काश वो मेरे साथ होते। तू ना मारा छोटे बेटा को मारा और बड़ा बेटा को किडनैप कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो बहुत बड़ा जायंट बन चुका हूँ। एक मिनट ये क्या, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? ये तो गाइस लास्ट टाइम बहुत छोटा था। गाइस कमेंट में जल्दी से पार्ट 2 लिखो, मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहे हैं वो भी देख लो। थैंक यू सो मच।